दोस्तों मैं आ गया हूँ आजादपुर मंडी लहसुन के एरिया में और दिखाई दे रहा है बरसात हो रहा है अभी भी हल्का फुल्का। और इधर देखो तिरपाल लगा के रखे हुए दोनों तरफ। और मैं आ गया हूँ लाल बाबू के पास प्रिया ट्रेडिंग के, और इनका ब्रांड का नाम है। और बाबूजी इधर है, छोटे बाबूजी इधर है और भैया उधर है। और हमें वैरायटी में दिखा देता हूँ आप लोगों को, देख पा रहे होंगे यहाँ पे वैरायटी दिखाई दे रहा है और चारों तरफ से देख पा रहे होंगे आप। ये आपको पता ही है श्रीनगर का माल है, यह हरियाणा और यूपी का माल होगा। और भैया इधर है, कैसे हो भैया, बरसात में आ गए? हाँ जी, तो बहुत तो पड़ेगा ही भैया, ड्यूटी है तो ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो भैया भी आ गए क्योंकि अभी 8 बज रहे, 8 बजे तक आ गए भैया। और नहीं तो सुबह अगर बारिश नहीं होता तो कितने बजे आते हो? मैं 7:30 बजे। 7:30 बजे, तो चलिए एक बार मैं इनका वैरायटी दिखा देता हूँ, फिर भैया से बात करते हैं। और आज तारीख है 24 जुलाई 2024 और बुधवार का दिन है। और यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, देखो सारा माल मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार नज़र। और यहाँ पे कली भी है, देखो यहाँ पे कली भी दिखाई दे रहा है। तो कली देखो कितना सुंदर कली है, बिल्कुल साफ सुथरा कली है। और देखो यहाँ पे गाड़ी भी है, तो देखो गाड़ी भी है, गाड़ी भी आया हुआ है देखो। और अभी बरसात ना हल्का खुल गया है देखो। और भाई लोग अभी अपना तिरपाल खोलते हुए और हल्का फुल्का हो रहा है, देखो हल्का फुल्का दिखाई दे रहे होंगे। और ये गाड़ी कहाँ का है भैया? भैया जी गाड़ी कहाँ का है? इंद्री, इंद्री, इंद्री कौन से राज्य है? कर्नाटक, हरियाणा का माल है भाई, हरियाणा का माल है भाई। तो देखो भाई लोग है तो ये हरियाणा का माल है आपका भाई साहब, आप हरियाणा का गाड़ी आया भाई। देखो इधर गाड़ी इधर भी लगा हुआ है और इधर तो लोग है ही नहीं आज, ग्राहक भी कम दिखाई दे रहा है अभी। और चलिए भैया से पूछते हैं, तो भैया इधर ही रुको पूछते हैं, आई इधर आओ यहाँ पे। तो ये बताओ गाड़ी आपका है? हाँ जी भैया अपना ही गाड़ी है। तो बोली लगवाओगे या ऐसी? नहीं नहीं भैया ये बोली वाले नहीं है, ये पंजाब का लहसुन ही है। ये आपका हरियाणा का लहसुन है। ओके, ओके। हरियाणा के लहसुन में क्या होता है, बोली नहीं लगता भैया। ओके, 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 पंजाब बोल रहे थे। हाँ ओनली पंजाब का लगता है, या तो किसान जो आता है ना हमारा ओपी का, ओके, उनका बोली लगता है। ओके ओके, तो सबसे पहले सभी भाइयों को नमस्कार मैं कहना चाहूंगा, सभी किसान भाइयों को जो भी लहसुन के व्यापारी करते हैं इनको भी। और मैं आ गया हूँ प्रिया ट्रेडिंग पे। और भैया जी अपना नाम और इंट्रोडक्शन एक बार करवा दो आप भी। भैया अपना नाम है लाल बाबू यादव, मेरा कंपनी का नाम है प्रिया ट्रेडिंग, ये 293 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। दिल्ली, तो भैया सबसे पहले ये बताओ आज जो ये गाड़ी आई हुई है हरियाणा से ना, तो ये कितना कट्टे आए हुए? इसमें भैया आपका 140 कट्टे नग है। 140 कट्टे नग है, 140 है या 150 के आसपास है? 150। आज रेट क्या होगा इस गाड़ी का? आज भैया रेट क्या हुआ मैं आपको बताऊं, अभी तो बारिश हो रहा है, शुरुआत हुआ है। मेरे को 8 बजे में अभी आया हूं और देखो अभी बारिश हो रहा है, अभी क्या बाजार खुलता है, किसी का माहौल है, ग्राहकी भी थोड़ा कमजोरी रहेगा, समझ गए? उसके बाद में क्या व्यापार होगा, जैसे भी होगा मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। मगर एक अनुमान तो बताइए, अनुमान बताइए आज क्या होना चाहिए? आज क्या होना चाहिए, आप देख ही रहे हो बहुत जी बारिश हो रहा है, बारिश बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा ग्राहकी कमजोर रहेगा और जो भी लेवा लगा एक का दुका आएगा और पहला नंबर आपका सामने भी चल रहा है, इसी वजह से देखिए ग्राहकी कमजोर रहेगा आज, मतलब रेट नीचे ही रहेगा मुझे मेरे हिसाब से ना। हाँ हो सकता है रेट नीचे ही रहेगा, मगर पीछे व्यापारी हमारा व्यापारी भाई लोग है ना, वो बेचने के कम भाव में शिकार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कल पंजाब का भी बोली आप देख सकते हो, जाके यूट्यूब चैनल पे है, होलसेल दिल्ली वाले में भी है, एक होलसेल ब्लॉग में है और उसमें मैंने डाला है, उसमें किसान खुद बोल रहा है मैं माल नहीं बेचूंगा कम रेट में। ओ आपको मैं बता देता हूँ, तो भैया कम रेट में क्यों बेचेगा ये बिल बताइए, उनका जो माल होता है सफाई होता है, चद्दर बंद होता है, दूध की तरह धुला हुआ रहता है बिल्कुल, वो क्यों बेचेगा? बिल्कुल, मान लीजिए अगर उसका लहसुन जो पहले बिक रहा था आपको सामने में 10 रोज पहले, मान लीजिए जो लहसुन 150 रुपए से लेके 220-230 रुपए बिक रहा था, क्यों बेचेगा कम भाव में बिल बताइए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या यहाँ हमारा व्यापारी भाई के लोग भी अगर माल डालता है हमारी दुकान पे, अगर हम बताते हैं 170 और लेवाल मांगता है हमारा बिहारी भाई लोग और चाहे बाहर के ग्राहक मांगता है हमारा 130 या 140, क्यों बेचने देगा हमारा व्यापारी लोग भाई या चाहे किसान लोग भाई? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब मिल तो रहा ही है अभी हल्का सा। एक्चुअली में ये भी बात है, जैसे मान लीजिए हम नहीं देंगे और कोई देगा, और नहीं देगा और कोई देगा, यहाँ पे 32-33 दुकान है
बत्ती तेती दुकान में कौन को मिल ही जाता है कम। ओके ओके, मतलब दो चार रुपए ऊपर नीचे करके मिल ही जाता है किसी न किसी को ना। तो गाइस देखो आपको पता चल गया है, और इस गाड़ी का एक अनुमान बताइए क्या होना चाहिए आज का जो भाव है। ये आपको सामने में घुमा के चले आइए आइए। तो गाइस हम गाड़ी पे चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को गाड़ी पे क्या कौन सा माल है। तो गाइस वैरायटी आता है वो बहुत ही शंकर है। ये शंकर लहसुन है भाई, देखो शंकर मतलब इसका डिजाइन मतलब लंबे साइज का हल्का ना। ये लंबी तुरी होती है और दूध का तरह व्हाइट होता है, लंबी चाल है, इसको शंकर बोला ही जाता है। इसको शंकर बोला जाता है भाई, ये शंकर लहसुन है। शंकर लहसुन इसका ये जो है हल्का लंबी रहेगी ना, इसे इसलिए इसका नाम रखा गया है शंकर। और शंकर लहसुन का भाव, इसका क्या भाव होना चाहिए शंकर भैया? ये व्यापारी अभी मांग रहा होगा 160-165 रुपए किलो। और हमारा जो बाहर का ग्राहक भाई ये लोग है, और जो हमारा बिहारी भाई लोग है, महाशाकुर भाई लोग है, महाशाकुर लोग भाई है, जो भी हमारा महाशाकुर लोग भाई, ये आपका ज्यादा से ज्यादा मांगेगा 140 और 150 के बीच में। 150 के बीच में मतलब 10-15 रुपए नीचे मांगेगा। जी जी। और इसमें वैरायटी भी आता है, देखो मैं वैरायटी एक दिखा देता हूँ आपको। ये छोटे दाना भी आता है, देखो हर क्वालिटी आता है। देखो यहाँ पे देखो छोटे दाना भी है शंकर में ना, और यहाँ पे देखो ये भी छोटा दाना है, देखो ये छोटा दाना है, ये बड़े दाने हैं, ज्यादातर बड़े ही है, छोटे बीच में दो लाट है ना, आध लाट होगा छोटे। हाँ। मान के चलिए 10-20 कट्टे का। ओके ओके, बाकी तो मोटा ही माल है, कोई दिक्कत बिल्कुल दिक्कत नहीं है, मतलब बढ़िया माल आया हुआ है। तो आज का रेट जो है मान के चलिए 100, ये इस गाड़ी का क्या रहेगा, 120-130? नहीं भैया 120-130 में व्यापारी को पड़ते हैं। पड़ते नहीं, छोटा वाले का नहीं, छोटा वाले का हाँ 120-130 होगा। हाँ, तो इस माल में पड़ता नहीं। हाँ, 120-130 से लेके 165 रुपए ना। हाँ 165 नहीं तो मान लीजिए 60 रुपए, तो 160 रुपए तो ओनली होना चाहिए, होना चाहिए। देखो 160 रुपए और नीचे 120 रुपए मान के चल सकते हैं ना, जो छोटा वैरायटी है। हाँ जी। तो भाई आपको रेट का अंदाजा लग गया हरियाणा का, तो चलिए भैया आगे चलते हैं और हल्का सा लहसुन दिखाते हुए चलाइए। ये बताइए कौन सा है, ये भी शंकर है? ये शंकर है, ये कहाँ का शंकर है? आपको बोल रहा हूँ अभी एक ही बेल्ट आपका चल रहा है शंकर का, हरियाणा। हरियाणा, ओहो हरियाणा का चल रहा है शंकर ना। ओके, आपका मैं बता दिया, श्रीनगर आया हुआ, श्रीनगर अभी भी रुका हुआ है। तो ये क्या भाव है? ये आपका यही भाव हमने बोले हैं, समझ लीजिए 160-165 रुपए। और हमारा बिहारी भाई, हमारा मसाकुर भाई मांग रहा है अभी मान के चलिए 150-155 के बीच मांग रहा है। 150-155 के बीच। तो गाइस देखो यह है श्रीनगर का भाव है, और नीचे कितना जाता है इसका जो कली आ रहा है? कली भैया आज कल मैंने बेचा उसको 120-130 रुपए किलो। 120-130 रुपए किलो गाइस इसका कली जो जा रहा है। और ये जो एक कली जो बनेगा आपको, एक कली कम से कम बिकेगा यहाँ पे मान के चलिए कम से कम 1000-1200 से कम नहीं बिकेगा। धरी जी, मतलब ये 5 किलो का रेट बताया जा रहा है, मतलब 1000-1200 मतलब 200-220 रुपए, 240 रुपए है ना ये बना के, ये जिसे हमारे से ले जाएगा खरीद। तो वो मजाकोर भाई मेरा जो है ना तोड़ फोड़ के बना के ये कम से कम बेचेगा 1000-1200 के धरी बीच में। धरी के बीच में भाई देखो, क्योंकि माल बढ़िया है, इसका दाना भी बहुत ही बढ़िया माल है, बस इसमें सफाई नहीं है। और ये जो है इसका क्या रेट जाएगा, ये जो कहाँ का कली है? ये तो आपका यूपी का कली है। यूपी का कली है, यूपी का कली का क्या भाव है? यूपी का कली आपका यही बिकेगा 110 से लेके 120 और 30 के बीच में। 110-120-30। हाँ, बढ़िया कोई सुपर क्वालिटी हो तो समझ लीजिए 130 से लेके 140 और 150 रुपए हाईएस्ट। 150 रुपए हाईएस्ट। देखो आपको बहुत बढ़िया जानकारी दे रहे भैया, और ऐसे जानकारी कौन देता है बताना। तो ये जो लंबे वाले कटिंग वाले आ रहे, ये कहाँ का है? ये आपका कोटा का माल है, मलाईपुर माल है आपका। मलाईपुर, हाँ इसको मलाईपुर कहा जाता है। ओके, अगर ये क्या है आपको मैं बोला हूँ, फिर मैं बोलूंगा इंटरव्यू में वही बोला हूँ, पंपिंग लहसुन है। इस वजह से आपको वो इसका रेट थोड़ा कम हुआ है। इसे कम है तो भाई ये पंपिंग लहसुन है, मतलब इसमें हल्का सा जो दाना है ना ये फुला हुआ है ऊपर से, मगर इसको दबाओगे तो ये पिचक जाएगा। जी जी, जी। ये माल होता है तो इसको पंपिंग बोला जाता है। मैं देखो ये है, देखो ये से ये काला हो गया है तो ये खराब है, जैसा ये मतलब समझ में नहीं आएगा जब तक तो इसको छूओगे नहीं। जी जी जी। हाँ, तो ये पंपिंग माल है। तो इसका क्या भाव है? ऐसे भाव तो भैया व्यापारी बोला है अभी 150 रुपए तक। और 150 रुपए तो भैया बिकेगा नहीं, ज्यादा ज्यादा आपको बिकेगा 90-100 रुपए के बीच में। 90-100 रुपए के बीच में गाइस, देखो 90-100 रुपए के बीच में आए, मगर देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ऐसा मोटा दिखाई दे रहा है कि तो चलिए कि एकदम
बम की तरह फूल है। बम की तरह फूल है। तो ये भी कौन सा, ये भी वही माल है, छिपा बरोद है। ये छिपा बरोद है भाई, छिपा बरोद में चलता है। देखो छिपा बरोद का ये कौन सा दाना है, ये आपका मोटी कली है, मोटी ऊटी का मोटी कली। देखो तो इसका क्या भाव चल रहा है भैया? यहाँ पे हमारा जो मथा खुर भाई है ना, ये मांगा है अभी यहाँ पे 150 और 55 के बीच मांगा है। ओहो, मगर हमारे यहाँ मेरा जो व्यापारी भाई लोग है ना, वो बेचने नहीं दे रहा, बेचने नहीं दे रहा। 165 करो, 170 करो, 170 उस भाव में लेवाल आई नहीं, आई नहीं। जब आएगा तब दोगे। हाँ जी, अगर तब तक अगर खराब हो जाए तो किसका लॉस है, ये भी बताइए। तो मान लीजिए व्यापारी का है ना, व्यापारी का, आपका कुछ नहीं है ना। हमारा क्या होगा ये पहले बताए, हम आपसे माल मंगाते हैं व्यापारी भाई लोग से, और वो उसको दिल होता है तो माल डालता है दुकान पे। ओके, और मैं कहता हूँ भाऊ जी बेचो बेचो, भाऊ जी नहीं बेचता है तो हमारा क्या गलती है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम तो इतने आपको सलाह देंगे कि भाऊ जी आप माल बेचिए। मैं तो इतना माल खराब हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, आप माल बेचिए। बेचने में ही माल आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। रोकने में माल अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल। रोकने में तो खराब होने का चांसेस है, अगला वाला भी लेके जाएगा, बोलेगा यार मेरे को खराब मिल गया अंदर। हाँ जी, वही तो बात है ना, उस वजह से सबका प्रभाव पड़ता है। तो सभी को कहना चाहूंगा, जितना व्यापारी भाई है, अगर 2 रुपए भी मार्जिन मिल रहा है किसी कट्टे में, 2 रुपए मतलब आपको 2 रुपए के हिसाब से 40 मतलब 100 रुपए भी कट्टे में मिल रहा है कभी कभी, तो दे दो। बिल्कुल है ना, व्यापारी क्योंकि क्योंकि अगर आपको तरक्की करना है, बढ़िया कमाना है पैसा, जितना माल सेल करोगे कम रेट में उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आपका ज्यादा माल सेल हो रहा है, ये याद रखिएगा। ये तो बात मैं कहता हूँ व्यापारी व्यापारी भाई लोग को और किसान भाई लोग को, मान कर चलिए जो आते हुए अगर बिक जाता है ना माल, उसमें क्या होता है वजन भी मिलता है और 1 रुपए भली कमी मिलता है, मगर उसमें क्या प्रॉफिट ज्यादा होता है, समझ गए? तो वो माल उगता नहीं है। पर हमारा व्यापारी लोग भाई क्या कहता है, नहीं 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 बेचना भैया, नहीं बेचना है, रहने दो रहने दो, इस भाव में बेचो, भगाओ भगाओ, ये करो वो करो। तो हम मान लो किधर से लड़ेंगे, आपसे लड़ेंगे तो आपको तरफ से चला जाएंगे, और हमारे व्यापारी मसाकुर भाई से लड़ेंगे तो मैं उधर से चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा तो दोनों को मिला के सब कुछ करके चलना है, तभी आपका बनेगा, क्योंकि आपका बिक्री भी करे होगा तभी आगे से व्यापारी भाई ला सकेंगे माल। अभी आप जगह भी नहीं है आपके पास माल रखने का, देखो भाई पूरा भरा हुआ है, माल रखने का जगह नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं है। देखो मैं एक बार घूम के दिखा दिया, ये लहसुन के मैं कहा जाता हूँ, 3 गड्ढे का लाड है 4 में। ये लहसुन 165 रुपए मांगा था और हमारा जो व्यापारी भाई लोग है ना, वो बेचने नहीं दे रहा, बेचने नहीं। इसका रेट लिखा हुआ 180 रुपए किलो, 180 रुपए किलो जी। तो भाई देखो 180 रुपए जाएगा या नहीं, बताओ? 180 तो नहीं जाएगा, 165 रुपए मांगा हुआ है, तो 165 नहीं, ज्यादा ज्यादा खिंचातानी करेंगे तो 70 हो सकता है, इससे बढ़कर उतना ज्यादा थोड़ी होगा। ओके ओके गाइस, देखो ये बाबूजी मतलब बहुत, मतलब भैया जी बहुत मार्का भी दिखाई है, 4 का लाट है यहाँ पे, देखो एप मार्का है भाई। तो चलिए ये कहाँ का है लहसुन? आपका छिपा बरोद है, छिपा बरोद है भैया। छिपा बरोद का भी आपको रेट का आइडिया लग रहा है, और नीचे कितना जा रहा है नीचे छिपा बरोद? मैं एक्चुअली मैं आपको अभी बता दूं, कलियां बिक रहा है 110 से लेके 120-130 रुपए, पत्रा पेटेंट बिक रहा है 110 से लेके 120-130 रुपए, उसके बाद में उससे ऊपर देसी माल आप जाइएगा तो 150 रुपए से लेके आपका 170-180 रुपए, उससे बढ़िया हाई लेवल का लेवल पे जाइएगा तो 200 रुपए किलो तक, 200-230 रुपए, जैसा माल वैसा क्वालिटी है। तो चलिए आगे चलते हैं, ये कहाँ का? ये भी आपको हरियाणा, हरियाणा आपका, हरियाणा का तो रेट पता चलिए, हरियाणा में अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं 3-4 क्षेत्र का माल आ रहा है। जैसा नंबर पहला नंबर मैं आपको बता दूं हरियाणा आ रहा है, दूसरा नंबर आपका ये श्रीनगर है, तीसरा नंबर आपका छिपा बरोद है, चौथा नंबर एमपी है। एमपी है, तो एमपी का भी रेट बताइए। एमपी का तो मैं बोला हूँ, अभी गाड़ी मेरे को भी लगा हुआ है, गाड़ी आया नहीं है आपको हमारे पास। एमपी यही बिक रहा है, मान लीजिए हमारा जो मसाखुर भाई लोग है ना, वो उठा रहा है यहाँ पे समझ लीजिए 110 से लेके 120-130 रुपए, हाईएस्ट बढ़िया मोटा माल हो तो 150-160 रुपए किलो, उससे बढ़िया मसाखुर भाई मेरा उठाएगा माल तो ज्यादा 220-230 रुपए तक। जो माल यहाँ पे आता ही नहीं है, वो माल आता ही नहीं, उसमें आता ही वो नहीं कहता कि तुम क्या बेचोगे, हमारा व्यापारी लोग भाई ओके, 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 तुम क्या बेचोगे, हमारा वहाँ साउथ में बिक रहा है 25,000-30,000, यहाँ क्या बेचोगे? ओके ओके, हमने बोला यार चलो कोई नहीं, कभी तो मौका देना। ओके ओके, अरे अभी नहीं बेच रहा हूँ तो कभी तो मौका देना तब बेचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कच्चे के सीजन में आपको बता दूं जनवरी और फरवरी के बीच में, वो मार्च और फरवरी के बीच में हमने 350 रुपए तक लहसुन बेचे अगले को। बहुत बहुत अच्छा, किलो
किलो किलो भाई गाइस देखो कितना बढ़िया बात है। ऐसे ही जाली हम आया हुआ था, ओके ओके ऐसे ही माल आया हुआ, मगर ये माल आपका हरियाणा का है, वो माल आपका एमपी था, एमपी था। तो ये देखो, ये भी यहाँ पे भी लहसुन दिखाई दे रहा है, देखो ये भी बहुत ही बढ़िया, देखो ये पूरा लोड देखो इसका बहुत ही बढ़िया। ये भी शंकर है भैया, ये भी शंकर है। हाँ जी सब शंकर है, ये सब शंकर है भाई। तो गाइस आपको रेट का अंदाजा लग गया है, तो भैया हिमाचल का भी बताओ, हिमाचल का क्या अभी आ रहा है एनिमल? भैया हिमाचल तो देखो, मैं एक्चुअली में आपको बताऊं, अभी तो आ नहीं रहा, एक आध टेम्पो आ जाता है तो आ जाता है, मगर क्या व्यापारी भाई लोग तो पढ़ते ही नहीं है, तो कहाँ से डालेगा माल। ओके 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 ओके। और इससे मैं आपको बताऊं, अभी एक दो टेम्पो आते भी है तो 220 और 30 रुपए तक बिकता है, उस भाव में तो बिकता ही नहीं पहला नंबर। ओके ओके। क्यों, उस जगह पे मैं दूसरा चीज बिक रहा है तो वो क्या कौन लेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए। तो इसलिए मतलब माल कम हो रहा है उसका। हाँ नहीं, माल तो आपका पीछे बहुत है, मगर क्या व्यापारी को पड़ता नहीं आ रहा है ना, हिमाचल वाले भाई लोग को, व्यापारी लोग को, तो समझ लीजिए वो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, वो आ नहीं रहा है, वो आपका वहीं पे बेच लेता है, आपका क्या कहते हैं सोलनी तरफ बेच लेता है वो। ओके, सोलन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चंडीगढ़ मंडी है, उधर ही बेच लेता है, उधर ही बेचता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस आपको रेट का अंदाजा लग गया है, आज जो मोटा मोटा जो आपको मैं बता दे रहा हूँ भैया के पास जो माल है, और कहाँ कहाँ से आ रहा है आपका माल? माल तो मैं आपको बताऊँ सर, हर जगह से माल में आता है अपने पास। मैं आपका माल तो देख के पता चल रहा है, मेरा हर जगह से माल आता है, मगर क्या है अभी तीन ही चार क्षेत्र चल रहा है। ओके ओके। तो गाइस आप लोगों को पता चल गया, सभी किसान भाइयों को बहुत बताना चाहूंगा, जो ये जो माल दिखाई दे रहा है ये है, ये आपका हिमाचल है। हिमाचल है गाइस, देखो ये हिमाचल है, ये हिमाचल का वैरायटी देख पा रहे होंगे आप। ये साइज देखो, कम से कम 50 ग्राम होगा लग रहा है मुझे। एक दाना आपका 100 ग्राम होगा, 100 ग्राम भी होगा ना जी। हाँ ऐसा ही दाना दिखाई दे रहा है। मैं बताऊँ एक्चुअली में इनका कोई रेट ही नहीं देगा, अगर व्यापारी अगर मेरा बोलेगा ना 220-30 बेचो, तो 220-30 रुपए बिकेगा नहीं। यहाँ पे मसाखोर मेरा भाई लोग है ना, ये मांगेगा ज्यादा ज्यादा 190 और 200 रुपए तक, 200 रुपए तक। क्यों, ये तो जाना चाहिए ना, इतना बढ़िया माल है। वही तो बात है ना, क्यों जा ले नहीं रहा ना मसाखोर भाई। ओके, ले नहीं रहा है। ले नहीं रहा ना, वो करा कि भाई इस बार वो लेंगे तो उस बार वो नहीं लेंगे। ओके ओके, मैं समझ गया समझ गया। इसका मतलब जाएगा, ये भी माल जाएगा। हाँ ये है कि उसका अगर वो एस्टोपिज होगा तो इसका तो ऑटोमेटिक उठा होगा। हाँ हाँ मैं समझ गया, मतलब वो पहले अगर एस्टोपिज होगा तो ये माल को ऑटोमेटिक उठा होगा। ओके, तो गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या भैया बताना चाह रहे हैं? भैया बता रहे हैं इनका जो अगर ये जो है माल है, ये इनका जो छाट वगैरह आता है वो नहीं बिकेगा इसके चक्कर में, इसलिए वे लोग ये रेट में नहीं खरीद रहे है ना, क्योंकि लोग देखेंगे अरे ये बढ़िया माल आ रहा है तो वो वही लेके 5 किलो 10 किलो लेके भाग जाएंगे, मगर ये माल नहीं लेंगे जो हल्के वैरायटी है ना। सही बात है ना जी, ये बात बता रहे हो आप, इसीलिए वो मतलब माल नहीं ले रहे मासाकोट वाले, जो बढ़िया माल नहीं ले रहे जानबूझ के। जा अभी रहने दो, ये ऐसे तो खराब होते नहीं है, बढ़िया माल ही है, एकदम बढ़िया क्वालिटी है। पंपिंग का भी अभी शिकायत नहीं होगा उतना, क्योंकि अभी बरसात भी शुरू है। तो चलिए भैया आपने बहुत बढ़िया जानकारी दिया है, तो चलिए नंबर भी दे दीजिए। मेरा नंबर है भैया आपका 9999-21-83-30। तो भैया किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे बताओ? मैं किसान भाई से यही विनती करूँगा, अगर कोई बोलने में गलतियाँ हो जाता उसका मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं उस बात के लिए मैं अपना सुधार कर सकता हूँ। सुधार करोगे? तो गाइस देखो भैया ने काफ़ी अच्छी बात बता दिया है, तो भैया चाहे बोल रहे हैं जो कमेंट कर देना, अगर भैया से कुछ गलतियाँ होती है और उनको भैया सुधार करेंगे ना। बिल्कुल करेंगे ना भैया, क्यों करेंगे। बिल्कुल, और कोई भी जानकारी चाहिए और किस बारे में चाहिए कमेंट करना। और कल एक भाई ने बोला था कई सारे लहसुन के बारे में, मैं तो भूल गया हूँ, मगर मैं कोशिश करूँगा आने वाले टाइम में कमेंट का भी जवाब दूँ। और सभी भाइयों को कहना चाहूँगा, भैया अभी नए नए हैं इस लाइन में भी, मतलब इंटरव्यू के लाइन में, मगर भैया दे रहे इतना बढ़िया जानकारी दे रहे, यही बहुत बड़ी बात है। और कमेंट कीजिएगा मुझे भी, मैं भी आपको कमेंट पे रिप्लाई देता हूँ या नहीं देखो, और मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, लाइक करता हूँ, ये तो कंपलसरी हो गया मेरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, भैया ने बहुत बढ़िया जानकारी दे दिया है। और शॉप नंबर एक बार बता दो भैया। शॉप नंबर अपना है 293 और कंपनी का नाम है प्रिया ट्रेडिंग सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली दिल्ली। और एक बात चलते चलते बताना चाहूँगा, मेरा गला खराब है बहुत ही खतरनाक, तो बहुत जोर जोर से
बोल रहा हूँ तब जाके हल्का आवाज निकल रहा है। तो आप गर्म पानी लेके, अरे भैया पता नहीं चलता ना, सुबह सुबह पानी लीजिए और नमक डाल के गला की। अरे सुबह सुबह बरसा मतलब उठा, उठने के बाद सीधा निकल गया, मैं सोचा आवाज ठीक हो जाएगा। तो चलिए चलते आज यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं।